Classy and spacious. यहाँ पे है ओपन बार वेयर यू कैन गेट कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स. यू कैन ऑल्सो बुक दिस प्लेस फॉर कॉर्पोरेट पार्टीज और गैदरिंग्स. तो सबसे पहले मॉकटेल्स में वी हैव ऑर्डर्ड दिस पिना कोलाडा एंड ये है फ्रूट पंच एंड ये दोनों आते हैं 275 रुपीज ईच. तो पहले तो मैंने जितने भी जगह पे मॉकटेल्स ट्राई किए ना 300 प्लस के होते हैं. सो प्राइस वाइज मुझे अच्छा लग रहा है. ऑल्सो कलर्स देखो, सो वाइब्रेंट कलर्स, येलो एंड पिंक. फर्स्ट आई विल ट्राई द पिना कोलाडा बिकॉज मेरा पर्सनल फेवरेट है. सो लेट्स टेस्ट दिस वन. वाओ, अमेजिंग फ्लेवर. मैं सच बोल रहा हूँ, जितने भी पिना कोलाडा मैंने ट्राई किया ना, दिस इज माई फेवरेट. वाई? इसमें ना पाइन एप्पल का बहुत ज़्यादा फ्लेवर है. बहुत जगह पे ना आइसक्रीम एंड कोकोनट का फ्लेवर ज़्यादा होता है, पाइन एप्पल का कम होता है, लेकिन इसमें पाइन एप्पल का फ्लेवर ज़्यादा है, इसलिए मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया. नाउ लेट्स ट्राई दी फ्रूट पंच. फ्रूट पंच भी बहुत अच्छा है, थिक है, मेल्टेड आइसक्रीम डाला हुआ है एंड आई कैन सी कि सिरप है, स्ट्रॉबेरी सिरप है. मतलब फ्रूट पंच बोला है लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा है. बट आई विल रिकमेंड द पिना कोलाडा, डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई दिस ओवर. तो स्टार्टर्स में हमने दो टाइप ऑफ कबाब भी ऑर्डर किए. सो दिस इज़ मुर्ग अंगारा कबाब. ये आता है 425 रुपीज़ का. एक्चुअली ना इसे सिजलर में सर्व किया था तो बहुत स्मोक आ रहा था, तो इसका स्मोकी फ्लेवर होगा, बट अभी वो वीडियोज़ निकालने तक ठंडा हो गया. एंड ये जो दूसरा है, दिस इज़ तंगड़ी, कसूरी तंगड़ी, एंड दिस कम्स फॉर 400 रुपीज़. तो पहले तो मैं ये ट्राई करने वाली बिकॉज इसको देखे ना मुंह में पानी आ रहा है. यार ये देखो ना, इससे जो जूसेस स्पिल आउट हो रहे हैं, लाइक दे आर लुकिंग सो टेम्पटिंग. तो पहले तो मैं यही ट्राई करने वाली हूँ. जैसे बोलो ना जूसेस, जैसे मैंने फर्स्ट बाइट लिया ना, पूरा जूसेस स्पिल आउट हो रहा था बस इसमें. और तंदूरी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है. मुझे इसमें कुछ चीज़ एक कमी लग रही है ना, कि स्पाइसेस अंदर तक नहीं गया. मतलब मैंने अंदर का जो चिकन का बाइट आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मुझे चिकन चिकन लग रहा है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है उसमें, बस ऊपर के लेवल में स्पाइसेस है. दैट इज़ समथिंग मिसिंग आई सी. एंड 200 में एक पीसेस बहुत महंगा गया. तो अभी ये दूसरा वाला हम टेस्ट करेंगे, दैट इज़ अंगारा कबाब. दिखने में देखो ना, इसके ऊपर मस्त बारबेक्यू जैसा मुझे क्रस्ट दिख रहा है. आई विल टेस्ट वन. इसमें थोड़ी हरी चटनी भी ली है मैंने. वाओ, दिस इज अ मस्ट ट्राई. इसको ना जो मसाले लगाए पूरे अंदर तक ऑब्जर्व है और कुक एकदम परफेक्टली हुआ है. जो ऊपर का क्रस्ट है उसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस आ रहा है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है बिकॉज इसको सिजलर में सर्व किया था. दिस इज अमेजिंग, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस. थोड़ा स्पाइसी भी है, सो आई डेफिनेटली विल रिकमेंड दिस. तो स्टार्टर्स में चिकन बहुत हैवी था, हमारा पेट ऑलमोस्ट भर गया. स्टिल दे हैड द स्पेगेटी ऑन द मेन्यू और हमें ट्राई करना था, इसलिए हमने वो ऑर्डर कर दिया. दिस कम्स फॉर 350 बिकॉज ये चिकन स्पेगेटी है. सो लेट्स ट्राई इट. मस्त गर्मा गर्म है. स्पेगेटी है ना प्रॉपरली कुक्ड है, मतलब कच्ची भी नहीं है और ज़्यादा ऐसी चीवी भी नहीं है, परफेक्टली कुक. टमेटो के सॉस में से बनाया गया है तो थोड़ा सा ना खट्टा स्वाद आ रहा है. जब चिकन, जो मिंस चिकन इसमें डाला है, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है.
मुझे पर्सनली स्पेगेटी इतना पसंद नहीं आता, लेकिन इफ यू लाइक स्पेगेटी यू विल डेफिनेटली लाइक दिस बिकॉज एकदम प्रॉपर जैसे बनाते हैं वैसे स्पेगेटी है. नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट दैट इज डेजर्ट. आज हमने एक डेजर्ट नहीं पूरा प्लेट ऑफ डेजर्ट्स ऑर्डर किया है. तो इसमें इसे एक्चुअली डेजर्ट प्लेटर बोलते हैं जो होता है 625 रुपीज में. तो इसमें क्या क्या है, वेनिला आइसक्रीम है, ब्राउनी है, मूंग दाल का हलवा है, गुलाब जामुन है और रबड़ी, रबड़ी नहीं बोल सकते, ये कुल्फी है अपनी. तो लेट्स टेस्ट इट. सबसे पहले मैं चालू करूँगी मूंग के हलवे के साथ बिकॉज इसके पूरा घी ऐसा बाहर आ रहा है तो मेरे मुँह में पानी आ गया वो देख के. तो पहले मैं इसके साथ स्टार्ट करूँगी. बेस्ट हलवा ड्राइड, स्वीटनेस परफेक्ट है, घी पूरा मुंह में ना घी का स्वाद आ रहा है और इलायची का फ्लेवर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त है. अभी मैं ना कुल्फी ट्राई करूँगी क्योंकि कुल्फी मेल्ट हो रही है. वाव यार, जो कुल्फी में क्रीमीनेस है ना, जस्ट सी इतनी क्रीमी कुल्फी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. नाउ आई विल ट्राई गुलाब जामुन. टू गुड. गुलाब जामुन थोड़ा मीठा है लेकिन घी में बनाया हुआ है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं उसमें, बस थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है. अभी मैं आइसक्रीम खाऊंगी विथ सम ब्राउनी. वाओ, वॉलनट ब्राउनी है, मस्त वॉलनट के क्रंचेस आ रहे हैं. देख मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको पूरा प्लेटर भी नहीं लेना ना तो आप है ना मूंग का हलवा बस लेना, क्योंकि अलग से भी आप ले सकते हो, ऑप्शन है. बिकॉज मूंग का हलवा इतना स्वाद है, यू विल डेफिनेटली लव इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना.